दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों कल हमने एक स्टोरी की थी, एक वीडियो डाला था जिसमें हमने ये जानकारी दी थी कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत फरीदाबाद और पलवल जिले की 9 सीटें शामिल हैं। हमने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभाएं जो पलवल की जिसमें फरीदाबाद की और पलवल की विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 9, ये कुल संख्या 9 है। तो उसमें हमने कांग्रेस सूत्रों से, हाईकमान के करीबी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली थी, उसमें हमने ये बताने की कोशिश की थी कि इन सीटों पर सबसे मजबूत दावेदार कौन कौन उम्मीदवार हैं या कौन कौन नेता हैं, और जो सबसे दावेदार हैं, जिनकी दावेदारी सबसे मजबूत है, पुख्ता है, जिनकी सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि इन नेताओं को ही टिकट मिलेगा, हमने इस तरीके की कहानी कल आपको बताई थी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, हमने कल भी कहा था कि हम ये भी बताएंगे कि इन 9 विधानसभा सीटों पर जो कल जो हमने एक एक उम्मीदवार बताया था, उनके अलावा और कौन संभावित उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस का टिकट चाहने वाले या लेने वाले या दावेदार हैं, और वो भी अपने आकाओं के यहाँ, अपने बड़े नेताओं के यहाँ, या जिनसे उन्हें उम्मीद है, कांग्रेस के उन छोटे बड़े नेताओं के यहाँ अपनी उम्मीदवारी के लिए चक्कर लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो चक्कर ही लगा रहे हैं दोस्तों, ये नेता जिनको हम आपको बताने वाले हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में या उस अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच भी जा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, यानी उनकी दावेदारी कोई हवा हवाई नहीं है, उनकी दावेदारी में भी दम है। और जो हमने कल 9 नेताओं के नाम आपको बताए थे, उनके अलावा इन नेताओं में से भी किसी की लॉटरी खुल सकती है यदि किसी भी कारणवश उन नेताओं में से किसी भी कारणवश उनका टिकट कट सकता है या कट जाता है। तो दोस्तों मैंने कहा कि राजनीति में जब तक टिकट हाथ में नहीं आ जाए उसे फाइनल नहीं कहा जा सकता। तो अब मैं आपको अब वो पूरी स्टोरी बताता हूँ कि कौन मजबूत उम्मीदवार हैं जिनकी ज़्यादा संभावना है और कौन और लाइन में लगे हैं। दोस्तों हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मैंने कल बताया था कि 9 सीटों के बारे में बताया, 9 विधानसभा सीटों के बारे में, तो दोस्तों मैंने घोषणा तो 9 सीटों की थी, यानी मैं बार बार 9 सीटें बता रहा था, लेकिन उन 9 सीटों में सिर्फ मैं 8 सीटों के ही बारे में बता पाया था, और गलती से एक सीट की मैं चर्चा नहीं कर सका, वो थी फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद की सीट। तो इसको मैं सबसे पहले इसीलिए ले लेता हूँ, चूँकि कल 9 की जगह 8 ही हुई थी और मेरी ही गलती से वो 9वीं सीट छूट गई थी। तो दोस्तों हम सबसे पहले फरीदाबाद सीट को ले लेते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से, हालांकि वर्तमान में इस फरीदाबाद सीट पे भाजपा के नेता नरेंद्र गुप्ता विधायक हैं, और इस सीट पर लखन सिंगला उनके खिलाफ लड़े थे और उन्हें 41,000 से ज़्यादा वोटें मिली थी, और वो हाई कमान के भी बहुत करीबी बताए जाते हैं, हुड्डा जी के भी बहुत करीबी बताए जाते हैं। तो लखन सिंगला की दावेदारी वहाँ नंबर 1 पर सबसे मजबूत बताई जा रही है, लेकिन इनके अलावा जो इस सीट पर लाइन में नेता लगे हैं, तो उनमें एक नाम, बड़ा नाम है, सुमित गौड़ भी हरियाणा कांग्रेस या फरीदाबाद कांग्रेस
या फरीदाबाद जिले का बड़ा हस्ताक्षर है, वो प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं, कांग्रेस के अन्य कई पदों पर भी रहे हैं, तो उनकी दावेदारी भी मतलब पक्की बताई जा रही है, वो भी लाइन में लगे हैं, या उनको ये कह सकते हो कि भाई लखन सिंगला के बाद उनका नंबर आता है। उधर सुमित गौड़ के बाद फरीदाबाद की यूथ विंग से के साथ ही रहे और भी साथी हैं, एक बलजीत कौशिक पूर्व प्रदेश कांग्रेस महासचिव हैं और इसी सीट पर उनके बड़े भाई आनंद कौशिक विधायक रहे हैं, तो उस नाते भी उनकी भी दावेदारी मजबूत बनती है, कही जाती है। और कहने को तो कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक भी इस सीट पर अपनी दावेदारी जताते रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने जो बताया आपको कि फरीदाबाद सीट से सुमित गौड़ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता बताया, विजय कौशिक और बलजीत कौशिक और रिंकू चंदीला भी इस सीट पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो ये हमने इसलिए जिक्र किया कि ये सीट हमसे छूट गई थी। अब हम जो है दूसरी सीटों पर आते हैं। दोस्तों, कल बड़कल सीट पर हमने विजय प्रताप को अकेला नाम बताया था, लेकिन उनके अलावा जो इस सीट पर कांग्रेस के नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, उसमें योगेश ढींगरा निवर्तमान पार्षद, भरत अरोड़ा एक्स फरीदाबाद मेयर के बेटे हैं, तो उनकी भी दावेदारी इस पर पक्की है। एक दो और नाम भी हैं। अब हम आते हैं तिगांव पर। कल हमने बताया था कि इस सीट पर ललित नागर सबसे मजबूत दावेदार हैं और वो एक्स एमएलए हैं, तो उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है, जिसका कटना नामुमकिन है। लेकिन इसके अलावा जो ललित नागर से अलावा जो और इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो दोस्तों उनमें जेपी नागर फरीदाबाद के पुराने नेता हैं और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अच्छी फॉलोइंग रही है, लेकिन आजकल कहीं फील्ड में ज़्यादा दिखाई उखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो भी लाइन में लगे हैं। इसके अलावा यशपाल नागर हर चुनाव में चाहे वो एमपी का हो चाहे एमएलए का हो, वो अपनी दावेदारी हर बार ठोकते हैं। बेशक मैं जितना जानता हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है, टिकट उनको अभी तक मिला नहीं है या उनमें उनको सफलता नहीं मिली है, लेकिन उनके भी बड़े बड़े नेताओं से संपर्क रहते हैं। इसके अलावा एक और बात है कि न केवल यशपाल नागर बल्कि रोहित नागर जो उनके बेटे हैं, तो यशपाल नागर कह रहे हैं कि भाई यदि मेरे बेटे को मुझे टिकट ना मिले तो मेरे बेटे को दे दिया जाए। तो रोहित के बारे में बताया जाता है कि भाई कांग्रेस हाईकमान के चक्कर लगाने वाले नेताओं में वो भी शामिल हैं और कई बड़े बड़े नेताओं से उनके संपर्क हैं, तो वो भी अपनी किस्मत इसमें आजमाना चाहते हैं। और मैंने जो एक नाम फरीदाबाद सीट पर गलत बता दिया था रिंकू चंदीला का, दरअसल तिगांव सीट से रिंकू चंदीला भी लाइन में लगे हैं और वो भी कई पदों पर रहे हैं, यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं और लगातार वो कांग्रेस से जुड़े हैं और कांग्रेस से किसी न किसी पद पर हमेशा वो बने रहते हैं। इसके बाद हम आते हैं बल्लभगढ़ सीट पर। तो बल्लभगढ़ पर एक बार सबसे मजबूत नाम हमने कल बताया था, पूर्व विधायक कुमारी शारदा राठौर, और वो एकमात्र महिला नेता हैं कांग्रेस की जो सबसे मजबूत हैं, यहाँ से दो बार वो विधायक भी रही हैं। लेकिन उनके अलावा भी कई नेता बल्लभगढ़ से टिकट की लाइन में लगे हैं, तो इन नेताओं में एक पराग शर्मा पू एक्स एमएलए योगेश शर्मा की बिटियां हैं, वो इस दौड़ में शामिल हैं और वो एआईसीसी की मेंबर भी बताई जाती हैं। गिरीश भारद्वाज
भी लाइन में लगे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान के करीबी बताए जाते हैं, उनको उनका आशीर्वाद है। और मनोज अग्रवाल शैलजा गुट के नेता हैं, और यदि किसी कारण जो ऊपर मैंने नेताओं के नाम बताए उनका नाम कटता है और बल्लभगढ़ सीट जो शैलजा खेमे के खाते में आती है तो इसमें जो है मनोज अग्रवाल की भी लॉटरी खुल सकती है। दोस्तों अगली सीट पर चलते हैं, ये NIT फरीदाबाद 86 विधानसभा है। यहाँ पर सिटिंग MLA मैंने बताया था कि नीरज शर्मा है, इसलिए नीरज शर्मा का टिकट कटने का तो लगभग सवाल ही नहीं पैदा होता, सोचना ही लगभग गलत है। और वो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी के भी गुड बुक में है करीबी, लेकिन उसके बावजूद ये हक सबका है किसी भी सीट पर कि वे वो टिकट मांगे। और मजबूती से NIT सीट पर जगन डागर जो निवर्तमान नगर निगम के पार्षद रहे हैं उनकी भी क्षेत्र में अच्छी पैठ है, वो लोगों से मिलना जुलना उनका जारी है और उनकी भी दावेदारी कम नहीं है, मजबूत है। तीसरे नंबर पर अब्दुल गफ्फार कुरैसी, वो भी टिकट की लाइन में लगे हैं और वो हर बार आवेदन करते हैं, उनका दावा ये कि NIT क्षेत्र में मुस्लिमों का भी एक बड़ा वोट बैंक है, इसलिए उनकी भी दावेदारी फरीदाबाद NIT 86 पर बनती है। अब हम चलते हैं आगे, पृथला सीट पर हमने कल जो सबसे नंबर वन पर बताया था वो रघुवीर सिंह तेवतिया जी को बताया था, और उसका कारण है कि वो भी हुड्डा जी की गुड बुक में उनके बहुत करीबी हैं। और लेकिन उनके अलावा राकेश तंवर जाट समुदाय से हैं और शैलजा गुट के करीबी हैं। सतवीर डागर ये शिक्षाविद भी हैं, किसान नेता भी हैं और कांग्रेस के पदों पर भी रहे हैं, और सतवीर डागर भी बल्लभगढ़ से पृथला से टिकट की लाइन में लगे हैं, उनकी भी अच्छी फॉलोइंग है और उनका जो लोगों के साथ व्यवहार है वो बहुत ही मधुर है, लोगों के बीच में रहते हैं। और सतवीर डागर के बाद हेम डागर, ये भी चर्चित चेहरा है, ये भी वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, 2-3 दशक से तो मैं इन्हें जानता हूँ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इनकी लॉटरी अभी कांग्रेस की तरफ से नहीं खुली है, काफ़ी चाहने के बावजूद भी हेम डागर कांग्रेस का टिकट पाने में अभी तक नाकामयाब रहे हैं, लेकिन उनकी भी दावेदारी पृथला सीट पर है। और हम जब अलग से एक एक सीट का विस्तृत बयान करेंगे तो किसकी दावेदारी क्यों बनती है वो भी हम अलग से बताएंगे, क्योंकि ये तो हम रूटीन में 9 सीट के बारे में आपको बता रहे हैं, तो एक एक सीट का भी हम विश्लेषण करेंगे और आपको विवरण देंगे कि कौन किस पर क्यों भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों राकेश तंवर हो गए जो शैलजा गुट के, सतवीर डागर और हेम डागर पृथला सीट पर हो गए। फिर पलवल की सीट, जैसा कि मैंने बताया कि पलवल सीट पर हमने कल बताया था कि करण दलाल सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, कई बार विधायक रहे हैं पलवल से, तो उनके सामने किसी और को टिकट मिल जाए ये लगभग असंभव सा लगता है, बावजूद इसके जो लोकतंत्र में सभी को हक है अपने दावेदारी प्रकट करने का और टिकट मांगने का, तो पलवल से करण दलाल जी के अलावा नेत्रपाल अधाना फिरे पोसवाल, ये मंदिर प्रताप जी के करीबी बताए जाते हैं, तो ये मुख्य रूप से टिकट मांग रहे हैं। कुछ छोटे मोटे और भी कांग्रेस नेता
इस लाइन में हो सकते हैं, लेकिन करण दलाल जी के सामने और किसी की दाल किसी की गलेगी ये संभव लगता नहीं है। होडल, तो दोस्तों होडल का हमने कल भी बताया था कि होडल जो सीट है वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी की पक्की और पुश्तैनी सीट है, इस पर उनका नाम कोई हटा नहीं सकता। और ये बात अलग है कि उदय चौधरी उदयभान जी खुद ही चुनाव न लड़ना चाहें तो वो अपने बेटे देवेश को आगे कर सकते हैं, यानी यदि चौधरी उदयभान होडल से खुद चुनाव नहीं लड़े तो उनके बेटे देवेश को ये टिकट मिल सकता है। फिर आखिर में बचता है हतीन, तो दोस्तों इस पर हमने सबसे पुख्ता मजबूत नाम कल को जो एक बताया था वो था चौधरी इजराइल, लेकिन इजराइल के अलावा एक बहुत बड़ा नाम हरियाणा की राजनीति का है और वो है हर्ष कुमार। हर्ष कुमार जाट समुदाय से हैं, वो भी हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब फिर कांग्रेस में लौट आए हैं। तो हर्ष कुमार भी हतीन से मजबूती से अपनी दावेदारी रख रहे हैं। वो बात अलग है कि कांग्रेस हाईकमान उनकी दावेदारी को कितनी मजबूती से लेता है, क्योंकि वो पार्टी छोड़ गए थे अब, लेकिन अब अपने घर वापस लौट आए। मैंने जो पलवल से नाम जो बताए थे आपको, करण दलाल के बाद अभी अभी सूचना मिली है कि सबसे मजबूत उम्मीदवार दूसरा जो हो सकता है वो सुभाष चौधरी हो सकता है। और इसी तरीके से हतीन में इजराइल तो नंबर वन है, उसके अलावा धर्मेंद्र तेवतिया, मोहम्मद बिलाल, बलजीत डागर, साबिर खान और साजिद खान, ये नाम भी अभी हमें बताए गए हैं कि ये लोग भी पलवल और हतीन से कांग्रेस की टिकट की दौड़ में शामिल है। तो दोस्तों ये थी हमारी पार्ट टू कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले 9 विधानसभा क्षेत्रों में नंबर वन पर कौन उम्मीदवार हैं, इसमें हमने कल जिक्र किया था, लेकिन इस पार्ट टू स्टोरी में वीडियो में हमने आपको वो बताया है या उन लोगों की जानकारी दी है कि उन जो पहले नंबर पर जो उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, जिनके टिकट लगभग कटने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीति तो बहुत लोग कर रहे हैं पूरे जिले में, दोनों जिलों में बड़ी आबादी है इस क्षेत्र में, तो बहुत लोग राजनीति में जुटे हुए हैं, और जो भी राजनीति में आता है वो चुनाव लड़ने के ही लिए आता है, पद पाने के ही लिए आता है। जैसा मैंने कल भी कहा था कि राजनीति में किसी भी पार्टी में पद बड़ा पद पाना या विधायक और लोकसभा का चुनाव लड़ना उसकी अंतिम चिन्ह मतलब इच्छा होती है कि उसे भी विधायक का टिकट मिले, लोकसभा का टिकट मिले और वो भी मंत्री, चाहे केंद्र में मंत्री बने चाहे हरियाणा सरकार में मंत्री बने, राजनीति में आने वाले हर नेता की यही अंतिम या सबसे बड़ी इच्छा होती है। तो दोस्तों इसी नीति के तहत हर विधानसभा सीट पर, चाहे लोकसभा भी हो, लोकसभा के चुनाव तो गुजर चुके हैं तो काफ़ी संख्या में यानी एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवार लाइन में लगे रहते हैं, और लोकतंत्र का ये तगाजा भी है कि एक ही उम्मीदवार को हमेशा टिकट ना दी जाए, चूंकि औरों का भी नंबर आना चाहिए और
एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये लोकतंत्र का तकाजा है और सबकी इच्छाएं पूरी होना चाहिए और बदल बदल कर सबको टिकट देने चाहिए, क्योंकि सबकी उम्र निश्चित है और एक अपनी जो लड़ने चुनाव लड़ने की उम्मीद है उसी आयु के दौरान हर एक कोई टिकट चाहता है। यदि एक ही टिकट पर एक ही व्यक्ति को या एक ही परिवार के लोगों को टिकट मिलता रहेगा तो फिर बाकी का क्या होगा। तो इसलिए दोस्तों और लोगों का लाइन में लगना और टिकट मांगना या टिकट चाहना ये उनका हक बनता है राजनीति में। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की स्टोरी वीडियो, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर कल नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।